75 छात्रों ने दौड़ती हुई मेट्रो में 75 मिनट तक स्वतंत्रता के रंग खींचे और इसे स्वतंत्रता उत्सव के रंगों से भर दिया। छात्रों द्वारा खींचे गए चित्रों में भरे रंग स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव को अलग तरह से मनाने के लिए नागपुर के 75 छात्रों ने 75 मिनट तक दौड़ती मेट्रो में आजादी के रंग उकेरे। छात्रों द्वारा खींचे गए चित्रों में भरे रंग स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन छात्रों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले चित्रों और रंगों के माध्यम से अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी वीर योद्धाओं को नमन किया है। लेट सेलिब्रेट की अवधारणा स्कूल के शिक्षकों द्वारा कला छात्रों को प्रस्तुत की गई। उस समय छात्रों का उत्साह देखने लायक था। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर मनाए जा रहे महोत्सव में भाग लेने का सुनहरा अवसर पाकर कई छात्रों ने सम्मानित होने की भावना व्यक्त की। क्या फील हो रहा है ये आज पूरा इवेंट के? देखिए, जैसे कि मैं स्कूल की प्रेसिडेंट हूँ तो मुझे सब कुछ पता चलता है। सारी चीजें पता चलने के बाद बहुत अलग लेवल पे फील होता है, एक्साइटेड फील होता है। और जैसे पता चला कि हम फ्लूइड एंड फैब्रिक पेंटिंग करने वाले हैं, 75th आजादी का अमृत महोत्सव ओकेशन को बिहाव दे रहे हैं हम एक तरीके से, तो मुझे रियली बहुत ऑनर्ड फील हुआ कि ये मेरी स्कूल है, सेंट टर्सिया गर्ल्स हाई स्कूल, जिसमें मैंने प्रेसिडेंट का मतलब हिस्सा दिया है अभी ये साल और अगले साल के लिए। तो ऑनर्ड फील हो रहा है कि मतलब ये पूरा साल में जो मैं कर रही हूँ वो बहुत आगे तक जाएगा, और साथ में ये पेंटिंग कर रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सेंट ओर्सुला गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने चलती मेट्रो में लगातार 75 मिनट तक 75 चित्र उकेरे। आपको बता दें कि 75 छात्राओं ने बांसुरी कला गतिविधि और फैब्रिक पेंटिंग के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास को कैनवास पर उतारने की कोशिश की। 75 मिनट तक चलती मेट्रो ट्रेन में एक साथ 75 तस्वीरें खींचने वाली 75 छात्राओं की ये प्रस्तुति वाकई में सराहनीय है। सेंट उर्सुला स्कूल के शिक्षकों ने इच्छा व्यक्त की है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन गतिविधियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।